चकसरा म्यूजियम से 5 किलोमीटर के फासले पर एक और कदीम बुद्ध मज़हब का स्तूपा मौजूद है। ये स्तूपा इंतहाई पुरसकून वादी के दामन में वाक़या है। बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मॉन्क्स आसानी से सुकून से यहाँ पर इबादत कर सकते थे, और साथ ही शहर सिरसक उनको बहुत करीब पड़ता था, जहाँ वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए जा सकते थे। सिरसक शहर यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। नदी का मंज़र है, यहाँ से किसी ज़माने में पानी गुज़रता होगा या फिर बरसात के मौसम में चलने वाली नदी। स्टूपा के बाहर खूबसूरत पत्थर, यही पत्थर यहाँ तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। ये स्टूपा दूर से देखा जा सकता है। स्टूपा के बाहर नहर, बहुत ही खूबसूरत और साफ शफाफ पानी वाली नहर यहाँ से बह रही है। घोड़ा मुरादो स्टूपा इंतहाई सुकून और ख़ामोशी वाली जगह पर है। ऐसी जगह इबादत के लिए बहुत मौजू हैं। चार अशारिया 75 मीटर ऊंची दीवार के ऊपर ये स्तूपा बनाया, बेस के ऊपर ये स्तूपा बनाया गया। ये कुछ साथ ही एक छोटे स्तूपा के रिमेन्स जिन्हें महफूज किया गया है। सामने दरख्तों और इबादत के लिए जगह बनी है। स्तूपा के खंडरात जंगों और दीगर कुदरती आफात से नुकसान इसको पहुंचा। अब हम मोनास्ट्री या खानकाह की तरफ जा रहे हैं। खानकाह की बैरूनी दीवार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बोर्ड और पूरे एरिया का मैप प्लान। सीढ़ियां चढ़कर हम खानकाह की तरफ जाएंगे। खानकाह के बाहर का मंजर, हम खानकाह के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ गौतम बुद्ध का एक मुजस्मा नसब था, जिसे उतार कर टेक्सला म्यूजियम भेज दिया गया है। जगह जगह गौतम बुद्ध के मुजस्मे नसब थे यहाँ पर। सामने एक तालाब नज़र आता है जो कमरों के दरमियान बनाया गया है। यहाँ भी गौतम बुद्ध का मुजस्मा नसब था। यहाँ इर्द गिर्द 27 कमरे हैं जो इबादत के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और ये पानी का तालाब जिसमें मॉन्क्स नहाते थे और दीगर रसूमात अदा करते थे। गौतम बुद्ध का मुजस्मा जिसे यहाँ से उतार कर म्यूजियम भेज दिया गया है। और ये जगह जगह गौतम बुद्ध के मुजस्मों की जगह बिल्डिंग में खिड़की और ये सीढ़ियाँ जो दूसरी मंजिल की तरफ जा रही हैं। परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है। बहुत ही पुरसकून और ख़ामोशी वाली जगह है। ये कमरा नंबर 9 है। ये
अंदर एक कदीम जमाने का स्तूपा अपनी असली हालत में मिला है। अगर आप रिक्वेस्ट करें तो इस कमरे को खोल दिया जाता है और आपको वो स्तूपा दिखाया जाता है। ये स्तूपा 5 तहों पर मुश्तमिल है। सबसे नीचे वाली तह में हाथी के मुजस्मे हैं और ऊपर बाकी तहों में गौतम बुद्ध के मुजस्मे हैं। यहाँ गौतम बुद्ध के मुजस्मे नसब थे। उनके सर यहाँ से उतार कर ले गए हैं या फिर कुदरती आफतों में या जंगों में उनका नुकसान पहुँचा है। ये तालाब का मंजर रिहायशी कमरों के आगे बनाया गया है। रिहायशी कमरों के साथ ही किचन या बावर्ची खाना मौजूद है। बावर्ची खाने के आसार हैं और साथ ही एक कुआं भी है। बावर्ची खाने के साथ अक्सर जगहों पर गोदाम पाया जाता है। इसके अलावा कुक का कमरा पाया जाता है जिसमें वो रहता था, और ये बावर्ची खाने के करीब ही असेंबली हॉल मौजूद है जहाँ मॉन्क्स इकट्ठे होकर खाना खाते होंगे, दीगर अपनी मसाइल पर बात करते होंगे। और ये पीछे पहाड़ों का मंजर बहुत खूबसूरत। उम्मीद करता हूँ आपको मोहरा मुरादू की खैर करके मज़ा आया होगा। अब हम जूलियान स्तूपा एंड मोनास्ट्री की तरफ जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।